नमस्कार श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज है 5 सितंबर जो कि भारत के अंदर टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। टीचर्स का आपके जीवन में बहुत ही एक अच्छा प्रभाव होता है क्योंकि वो आपको चीज़ें टीच करते हैं। यहाँ पर एक समझने की बात है, टीचिंग और लर्निंग, लर्न आपको करना होता है, टीचर का काम होता है पढ़ाना। तो हम क्यों मनाते हैं ये दिन? हम मनाते हैं डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी की याद में, जो कि हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे। उन्हीं की याद में टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हुए आज हम पढ़ाई करेंगे कि किस प्रकार से दो फोक्सरो के, जो अपन ने कल दो टाइप के ऑपरेटर्स पढ़े थे, अर्थमेटिक और रिलेशनल, उसके आगे दो प्रकार के और ऑपरेटर्स थे जो कि हैं लॉजिकल और कनेक्टेशन। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि लॉजिकल क्या होते हैं। आई होप कि मुझे रिवीजन करवाने की जरूरत, चलो एक बार करवा देते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग घात संख्या पावर जिसे कहते हैं, और ये जो हो गया कि स्क्वायर जो हो गया ये। उसके बाद है रिलेशनल, अर्थमेटिक से क्या समझेंगे आप, गणितीय क्रियाएं जो भी होती है, गणितीय मैथमेटिकल जो इक्वेशंस होती है उन सबको सोल्व करने के लिए। उसके अंदर आगे क्या है कि रिलेशनल जो होता है उसके अंदर लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और नॉट इक्वल टू, इसको तीन तरीके से डिनोट करते हैं अपन। ये जो तीनों एक ही है, और लास्ट वाला था इक्वल्स टू। आज हम बात करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो कैसे होते हैं और उनका क्या यूज होता है। तो अपन ने जैसे ही बात की कि लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब क्या होगा, इसके अंदर लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भाई ये कैसे हो रहा है, लॉजिक कैसे लगता है कि या तो ये है या वो है, या तो ये काम करो या वो काम करो, वो लॉजिक लगता है ना, उसी चीज को कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो आज हम पढ़ेंगे फोक्सरो के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं उनको दो या दो से अधिक ऑपरेंड्स के मध्य इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेंड क्या होते हैं आपको पहले भी बता चुका हूं पुराने वीडियोज में। लॉजिकल ऑपरेटर्स, जहां पर लॉजिक समझ में आता है, ऑपरेटर इसका एग्जांपल और इसका रिजल्ट। तो अब अपन देखेंगे कि पहला जो ऑपरेटर है वो लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो है एंड, ए एंड डी। एंड से आप क्या समझते हैं कि भाई बाजार जा रहे हो, ये भी ले आना और वो भी ले आना, ये भी ले आना और वो भी ले आना, तो हो गया एंड, है ना। एंड का जो प्रयोग किया जाता है और के लिए किया जाता है ना, कि ये और ये इसके साथ में वो, जैसे भी कहते हैं कि भाई दिस एंड दैट, मतलब ये भी और वो भी, ये जो है इस चीज को ध्यान में रखना। तो सबसे पहले आप एंड से क्या समझे, इसको किसी कंप्यूटर की भाषा के समझना नहीं, बेसिकली समझो इसको। एंड का मतलब क्या होता है, ये और वो। अब मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं अपन, ताकि किसी चीज को प्रिंट करवा सके अपन। मैं देता हूं कि 4 बड़ा है 2 से एंड
पांच बड़ा है तीन से, पांच छोटा है तीन से, तो ये क्या आंसर आएगा इसका? क्या चार दो से बड़ा है? हाँ बड़ा है, सच्चाई है ये चीज। पर क्या पांच दो से तीन से छोटा है? नहीं। तो इनने क्या कहा था कि एंड और, ये भी और वो भी, दोनों चीजें सही जब होगी तो ये ट्रू कहलाएगा, नहीं तो ये फॉल्स कहलाएगा। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। उसके बाद इसको अपन आगे भी एग्जांपल से समझेंगे, दो तीन एग्जांपल दूंगा इसके अंदर, तो बेटर समझ में आ जाएगा। दूसरा जो है इसके अंदर वो है और का मतलब या ये कर लेना या वो कर लेना, दोनों में से एक काम कर लो। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में आता है 1 2 3 4 5 6, 1 और 2 3 और 4 5 और 6, मतलब दोनों में से एक करना है आपको, तीन क्वेश्चन करने इनमें से, छह नहीं करने। और जैसे इसका एग्जांपल अपन लेते हैं यहां पर क्वेश्चन मार्क, चार दो से बड़ा एंड पांच तीन से छोटा, 5 is less than 3, नो गलत है ये चीज। बट एक चीज माफी चाहूंगा, यहां पर और लिखना था, और तो हमने देखा कि एक चीज तो गलत है इसके अंदर पर एक चीज सही है। तो इसने क्या कहा कि एक चीज अगर सही है मैं चीज मान लूंगा, मैं कह दूंगा कि भाई चलो ठीक है। तो इसके अंदर हो गया और। जैसे कई बार क्या होता है ना कि अपन टिकट बुक करवाने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरी टिकट बुक करना जब विंडो सीट मिल रही हो, और विंडो सीट अगर नहीं मिल रही हो तो फिर मत करना। तो ये हो गया एंड की सिचुएशन कि आपको सीट भी मिल रही है और वो विंडो भी होनी चाहिए तभी आप उसकी सीट को बुक करोगे। एक जना बोलता है कि एक काम करना, ट्राई कर लेना सीट के लिए, और विंडो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बुक तो कर ही देना। इसके अंदर हो गया और कि भाई आपने कहा कि सीट मिल जाए, अगर विंडो मिल जाए तो अच्छी बात है। अब आपने कहा कि सीट तो भैया मिल चुकी है पर विंडो नहीं मिल रही, तो आप इसके अंदर क्या कहेंगे कि ट्रू, मेरा टिकट बुक कर दीजिए आप। मेरा टिकट बुक कर दीजिए इसके अंदर आप, क्यों बुक कर देना है? क्योंकि इन दोनों में से एक जो कंडीशन है वो सही है। अब इसके अंदर आता है नॉट, नोट का मतलब क्या हुआ? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ये चीज तो चाहिए ही नहीं। और नोट को अपन यूं कहेंगे उल्टा जो पढ़ता है ना, जो हर चीज में ना करता है वो होता है नोट। किसी के भी आगे लगा दो कि नोट तो फिर वो उल्टी ही बात करेगा, उसकी जो भी बात है उसका उल्टा बात करेगा। एग्जाम्पल्स को देखेंगे आप तो आपको इजीली समझ में आ पाएगा। जैसे ये कहता है क्वेश्चन मार्क प्रिंट कराने के लिए नोट, ये लॉजिकल ऑपरेटर लगा यहां पर, इसने कहा नोट दो तीन, क्या दो से बड़ा है तीन? हाँ, पर इसने तो उल्टा लगा रखा है कि दो बड़ा है और तीन छोटा है, गलत। बट इसने कहा है नहीं, नोट मतलब उल्टा करेगा, तो क्या आएगा इसका आंसर? ट्रू। जो भी इसके अंदर वाली जो सिचुएशन बनेगी रिलेशनल ऑपरेटर्स की, उसकी वो सिचुएशन को उलट देगा, तो उसकी उल्टी कर देगा उसके अंदर। अब अपन इन सब का एक एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे अलग अलग से, और ढंग से समझेंगे कि किस प्रकार सिचुएशन जब होती है तो क्या होता है उसके अंदर, और कब कब क्या क्या इसके आउटपुट आएंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, और फिर वापस सबके एग्जाम्पल एक एक लेके देखते हैं अपन।
एंड का जो एग्जांपल है वो ये रहेगा, क्वेश्चन मार्क चार बड़ा है छोटा है दो से, एंड पांच छोटा है तीन से। ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या रहेगी इसके अंदर, चार जो है वो छोटा है दो से, एंड पांच जो है वो बड़ा है तीन से। तीसरी जो सिचुएशन होगी वो क्या रहेगी, कि चार बड़ा है दो से, एंड जो पांच जो है वो छोटा है तीन से। अब जो चौथी सिचुएशन रहेगी वो क्या रहेगी, कि चार जो है वो बड़ा है दो से, एंड पांच भी जो है वो बड़ा है तीन से। तो अपन ने ये देखा कि ये एक एग्जांपल की बात हो गई। अब एंड और कोई, क्योंकि नोट तो उल्टा कर देता है उसका तो कोई समझने की जरूरत नहीं है। अब जो ये रिजल्ट्स आएंगे वो आपको डिफाइन कर देंगे, वो आपको समझाने में बहुत सहायक हो जाएंगे कि किस प्रकार से एंड और का कॉन्सेप्ट चलता है। तो पहला जो है वो क्या बोलता है एंड, कि मेरे लिए तो सारी सिचुएशन जब सही होगी मैं तभी मानूंगा कि ये काम है, नहीं तो मैं बोल दूंगा ये गलत है। तो इसने कहा कि चार बड़ा है, चार छोटा है दो से, इसमें कहा कि पांच छोटा है दो से, दोनों सिचुएशन गलत है, दोनों में ये झूठ बोल रहा है, तो ये हो गया फॉल्स। इसने कहा भी तुम दोनों चीजों में झूठ बोल रहे हो, ये तो दोनों में गलत है, दोनों ही गलत आंसर आ रहा है, तो दोनों ही गलत हो गए। चलो कोई बात नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि चार जो है वो दो से छोटा है, गलत बोल दिया इसने यहां पर, चार तो बड़ा होता है दो से। अब यहां पर इसने बोला कि पांच जो है वो तीन से बड़ा है, चलो वो एक चीज मान गया आपने, तो पर अपने यहां पर एक चीज का तो कोई लॉजिक नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अपन तो एंड यूज ले रहे हैं ना यहां पर, एंड मतलब दोनों ही सही होने चाहिए, तो फिर ये हो गया फॉल्स। अब ये बोला कि चलो ठीक है मैं ये मान लेता हूं कि चार दो से बड़ा है पर पांच तीन से छोटा है, फिर गलत, दोनों के दोनों सही होने चाहिए भैया तभी मानेंगे हम, तो इसने फिर बोल दिया फॉल्स। अब इसके अंदर फिर इसने बोला फाइनली कि देखो चार दो से बड़ा है और पांच तीन से बड़ा है, बिल्कुल सही बोले आप, तो अब हम इस चीज को ट्रुथ मान लेंगे, क्योंकि हमारी जो दोनों कंडीशन है वो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि दोनों के दोनों चीजें सही होनी चाहिए, इसलिए एंड के उसके अंदर आएगा। अब यहीं पर अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट के अंदर, इन्हीं इक्वेशंस के अंदर अगर मैं और रख देता तो मेरा जो रिजल्ट आना था वो किस प्रकार से बदलता, मैं यहां पर और लिख देता हूं। मैंने यहां पर और कर दिया। अब और में क्या होगा कि सबसे पहले वो आएंगे और पूछेंगे कि भाई साहब एक बात बताओ, चार दो से बड़ा होता है? बोला हाँ बड़ा होता है पर आपने छोटा कर रखा है। अच्छा बताओ पांच तीन से बड़ा होता है कि हाँ होता है? भाई साहब आपने इसको भी गलत कर रखा है। अगर दोनों गलत तो फिर गलत, फॉल्स। बोला आप एकदम झूठे किस्म के इंसान, आपने दो चीजें गलत कर रखी है। फिर बोला एक बात बताओ, जो चार जो है वो दो से बड़ा है? बोला हाँ बड़ा है पर आपने छोटा कर रखा है। कोई बात नहीं, यहां पर आके उन्होंने देखा कि पांच जो है वो तीन से बड़ा कर रखा है, तो यहां पर तो सिचुएशन ही यही है कि किस प्रकार से जो और का सिचुएशन है, और का मतलब या तो ये या वो, या तो ये या वो के अंदर क्या होगा, ट्रू। ये ट्रू वाली सिचुएशन हो जाएगी। अब इसके अंदर फिर यहां पर आते, फिर बोलते चार तो बड़ा है
पर पांच होता है तीन से, गलत, पर एक गलत है दूसरा तो सही है अपना इसके अंदर, तो फिर ये ट्रूथ हो जाएगा। अब अपन आगे बात करेंगे लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर क्या है कि चार भी बड़ा है और ये भी बड़ा है। भैया हमें तो दोनों में से एक होता तब भी चल जाता, आपने तो दोनों दे दिए तो दोनों के अंदर तो पक्का ट्रू होने वाला है। ये हो गया ट्रू। अब इसी के अंदर अगर मैं यहां पर नोट लगा दूं आगे तो इस फॉल्स का ट्रू हो जाएगा और इस फॉल्स का भी ट्रू हो जाएगा, यहां पर फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, यहां पर ट्रू का फॉल्स हो जाएगा। तो ये चीज है, अभी अपन ने समझे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है। अब जो अगला है वो होता है कोनिटकेशन। कोनिटकेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि जैसे जैसे अपन प्रोग्रामिंग के अंदर आगे बढ़ेंगे तो हम अक्षरों से बढ़कर जब शब्दों के अंदर जाएंगे और शब्दों के अंदर जब उनके साथ ऑपरेशंस करेंगे तो उनके साथ किस किस प्रकार के जो ऑपरेटर यूज आते हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग मतलब किसी का नाम हो गया, जैसे मेरा नाम जितेंद्र है, अगर मैं प्रोग्रामिंग के अंदर इसको नाम लिखूंगा तो उसका इसको स्ट्रिंग कहा जाता है। तो स्ट्रिंग जब होगी तो उसका किस प्रकार से यूज लिया जाता है और कोनिटकेशन जो ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या क्या यूज में आते हैं वो अपन बात करेंगे अभी। कोनिटकेशन ऑपरेटर ये क्या होते हैं, एक या एक से अधिक स्ट्रिंग वैल्यू को, एक या एक से अधिक स्ट्रिंग वैल्यूज को जब तुम जोड़ने का कार्य करते हैं या फिर उनको मॉडिफाई करने का काम करते हैं अपन, तो उसके लिए अपन कोनिटकेशन ऑपरेटर्स का यूज लेते हैं। इसके अंदर तीन आते हैं, पहला आता है प्लस, दूसरा आता है माइनस और तीसरा आता है डॉलर का साइन। क्या होते हैं ये, कैसे होते हैं, इनका यूज कैसे आएगा, ये अपन अभी पढ़ेंगे एग्जांपल के साथ में। ये जो टेबलें बन रही है सारे ऑपरेटर्स की, इन टेबल को आपको जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं इनके। ऑपरेटर एग्जाम्पल और रिजल्ट, जब आप एग्जाम के अंदर जाएंगे तो मैं तो आपको बोल के समझा रहा हूं, आप इसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन का भी डाल सकते हैं, इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि भाई इसका क्या मतलब क्या है, आपको जो हिंदी में लिखना हो वो लिख सकते हैं। तो पहला जो ऑपरेटर मैंने समझाया था वो था प्लस। प्लस के साइन से आपको क्या समझ में आता है, प्लस के साइन से हमें यह समझ में आता है कि जब दो स्ट्रिंग वैल्यूज को जोड़ने का कार्य जब किया जाएगा, जब स्ट्रिंग की दो वैल्यूज को जोड़ने का काम किया जाएगा तो उसके अंदर अपन यूज लेंगे प्लस का साइन। तो प्लस का साइन कैसे उपयोगी है इसके अंदर, एग्जाम्पल कोई भी नाम होता है उसको डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन के अंदर अपन डिफाइन करते हैं, प्लस किया जैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूं,
इसका क्या आउटपुट आएगा, इसके अंदर एरर आ जाएगी, बोलेगा भाई साहब आपने ये तो समझ में आ गया मेरे को, ये क्या है ये नहीं समझ में आ रहा। तो एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग जोड़ने के लिए अपन प्लस का यूज लेते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो स्पेस वर्ल्ड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी बेसिक चीजें होती है वो हेलो वर्ल्ड से ही चलती है। अब आपने देखा कि जब मैंने ये दोनों लिखे थे तो मैंने यहां पर कोई स्पेस नहीं दिया था, इस हेलो के बाद में और वर्ल्ड से पहले कोई स्पेस नहीं था, पर जब मेरा आउटपुट आया तो इसके अंदर एक जो ये स्पेस दिख रहा है तो ये होता है प्लस के साइन के चलते। अगर मैं यहां पर माइनस लगा दूं, माइनस लगा के इसी एग्जांपल को अगर वापस देखें कि क्वेश्चन मार्क हेलो माइनस वर्ल्ड, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो अलग आएगा। किस प्रकार से अलग आएगा, हेलो हेलो वर्ल्ड। जो आपने देखा कि जो प्लस का जो साइन था जब आपने लगाया था कॉनिट के कॉनकेटिनेशन जो ऑपरेटर है उसके अंदर ये प्लस के साइन के तहत एक स्पेस आ रहा था, इसके अंदर ये स्पेस नहीं है, यहां पर ये बिना स्पेस के आ रहा है। अब इसके अंदर अपन बात करेंगे कि जो डॉलर साइन है इसको अपन कंपैरिजन के लिए भी यूज लेते हैं कि भाई जो मैंने लिखा है, जैसे अपन पासवर्ड कई बार मांगे जाते हैं आपसे कंप्यूटर के अंदर, जब आप कोई आईडी डेवलप करते हैं तो बोलते हैं कि एक बार पासवर्ड डालो फिर दूसरी बार अलग से डालो ताकि आपको कंफर्म कर सकें कि हाँ आपने जो पासवर्ड डाला है वो सही है और आपको याद है। तो उसी जगह पर वो जब वो दूसरी बार पासवर्ड डलवाते हैं तो उसके टाइप का ये है एग्जाम्पल, इसके अंदर देना चाहूंगा आपको मैं क्वेश्चन मार्क ए बी सी डॉलर साइन ए बी सी, तो ये बोलेगा ट्रू कि आपने जैसा लिखा था ये सामने वैसा का वैसा लिखा हुआ है। इसके अंदर अगर मैं यूं डाल दूं कि क्वेश्चन मार्क ए बी सी डॉलर एक्स वाई जेड तो क्या बोलेगा, फॉल्स। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना कि ये जो है जैसे इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना कि ये चीज ये भी पता करती है कि ना केवल ये, जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन यहां पर यहीं पर क्वेश्चन मार्क ए बी सी डॉलर का साइन एक्स वाई जेड ए बी सी एल एम एन, तो इसका आंसर जो होगा वो ट्रू देगा। क्यों, क्योंकि उसने कंपेयर करके देखा कि ये वाला जो स्ट्रिंग है वो इसके अंदर भी है तो ये बोलेगा ट्रू, उसके अंदर है ये बात, यही वाली स्ट्रिंग उसके अंदर भी है। तो ये डॉलर का साइन क्या होता है, कंपेयर करने के लिए कि ये वाला स्ट्रिंग सामने वाली उस स्ट्रिंग के अंदर है कि नहीं है, ये वाला पार्ट उसके अंदर है कि नहीं है, या फिर सीधा वही का वही पार्ट है कि नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की इसके अंदर मैचिंग नहीं होती तो इसका रिप्लाई है फॉल्स कर देगा। तो आज टीचर्स डे पर आपने पढ़ा लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कॉनकेटिनेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो मैंने बात शुरू की थी टीचर्स डे से, आप अपने टीचर्स की खूब इज्जत करें, उनसे खूब सीखें और जिंदगी भर उनके इस मेहनत के लिए, इस देश निर्माण के इस जज्बे के लिए उत्साहवर्धन करते रहें उनका। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे बता सकते हैं।
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।